दोस्तों, अगर आपके घर का एसी भी बहुत ज़्यादा गंदा है और आप उसको सर्विस करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में खुद से ही एसी को सर्विस कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर है, जिसकी वजह से ना आपका एसी अच्छे से कूलिंग नहीं करता है। तो आज पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने एसी को बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। अभी जो एसी की कंडीशन है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डस्ट है, और सर्विस करने के बाद आपको एसी जो है वो किस तरीके से मिलने वाला है। फिल्टर वगैरह भी हम साफ़ करेंगे यहाँ से, और उसके नीचे यहाँ से ब्लोवर है, ब्लोवर को भी साफ़ करेंगे। अगर आपको साफ़ करना है तो आप इसको पूरे को खोल भी सकते हैं। इसके नट होते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इनको खोल के भी इस ढक्कन को पूरे को निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से अंदर अंदर से भी साफ़ कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे अपने केस में, इसको पूरे को बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए इसे Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta... तो गाइस, जब हमने इस एसी को खोला था, जब आपको किस तरीके से धूल यहाँ पर मट्टी दिखाई दे रही थी, और अब कितना साफ यहाँ पर हो चुका है, यानी कि इंडोर की हमने सर्विस कर चुके, आप आउटडोर को भी इसी तरीके से साफ करेंगे, और यहाँ पर जो हवा है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यानी कि एसी की सर्विस आप इस तरीके से घर पे ही कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको सफाई का ध्यान देना है और अच्छे से ब्रश को मारना है, जो इसके विंग्स है वो टेढ़े ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि गाइस, ये जो विंग्स होते हैं ना, ये विंग्स आपके टेढ़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से आपको इस तरीके सीधा सीधा करके इसको मारना, और आपका जो एसी है वो सर्विस हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये था एक पूरा प्रोसेस एसी को सर्विस करने का।